हेलो फ्रेंड, कुशीनगर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मोहम्मद सरताज, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं पॉलीटेक्निक से रिलेटेड एक न्यूज़ अपडेट को लेकर। दोस्तों, आज उपस्थित हूं मैं पॉलीटेक्निक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, पॉलीटेक्निक का नया सत्र 15 से शुरू होगा, मतलब 15 अक्टूबर से। दोस्तों, जो पॉलीटेक्निक का नया सेशन चालू होगा, जैसे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे या थर्ड सेमेस्टर में आएंगे या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे, या फिर अगर किसी का बाय द वे 4 ईयर का है तो हालांकि होता नहीं है, लेकिन मतलब जो भी डिप्लोमा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं उनके संस्थान जो है वो 15 अक्टूबर से नए सत्र की शुरुआत की जाएगी, जो कि न्यूज़पेपर की एक कटिंग है उसको लेकर आए हैं दोस्तों। और फिर जो बोर्ड के द्वारा जानकारी दी गई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, पॉलीटेक्निक संस्थानों में 15 अक्टूबर से सत्र की शुरुआत की जाएगी। विषम सेमेस्टर के लिए 31 जनवरी तक क्लास चलेंगी। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी और 31 जनवरी तक क्लास चलेंगी। नए छात्र छात्राओं का नामांकन 15 नवंबर से शुरू होगा। परिषद के सचिव डॉक्टर आर के सिंह की तरफ से बुधवार को ये निर्देश जारी किए गए हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से जारी इस कार्यक्रम को लेकर आपत्तियां भी सामने आई हैं। असल में 9 प्रवेशित छात्रों की क्लास शुरू करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। सीधे 15 नवंबर से नामांकन कार्यक्रम जारी किया है, जबकि नवंबर में प्रवेश के लिए काउंसलिंग भी हो रही है। वहीं सुबह, सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि वहीं सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कक्षाएँ चलाई जाएंगी। तो दोस्तों, जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनका जो न्यू सत्र है, नया सेशन जो है वो 15 अक्टूबर से चालू हो जाएगा, और जो उनका सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा वो होगा एक मतलब सेमेस्टर जो चलेगा वो पढ़ाई जो है उनके 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी जाएगी और 31 जनवरी तक ही चलेगी। उसके बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल आएगा। तो दोस्तों, और पढ़ाई का जो शेड्यूल रहेगा कॉलेज में वो रहेगा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। आगे बताते हैं कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक क्यों रहेगा और कितनी क्लासें लगेंगी। जो बोर्ड के द्वारा आई है चिट्ठी उसको पढ़ते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों उसको। दोस्तों, ये पढ़ते हैं दोस्तों। परिषद से संबद्ध राष्ट्र पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु विषम सेमेस्टर परीक्षा 2021 को निर्धारित रूप से चलाने हेतु शैक्षिक कैलेंडर के निर्धारण के संबंध में है ना दोस्तों। ये किसके द्वारा भेजा गया है? ये प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा प्रेषित किया गया है। समस्त प्रधानाचार्य निदेशक परिषद से संबद्ध राजकीय अनुदानित या निजी क्षेत्र की संस्थाएं जो हैं उनको, और कहा गया है कि जो 2021 में विषम सेमेस्टर परीक्षा 2021 को निर्धारित शैक्षिक कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है। इसमें जो है बताया जाएगा उपरोक्त, इसमें कहा गया महोदय उपरोक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश प्रक्रिया या काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है, एवं विषम सेमेस्टर का सत्र दिनांक 15/10/2020 मतलब 15 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। विषम सेमेस्टर परीक्षाएं फरवरी 2021 हेतु परिषद द्वारा परीक्षा के संचालन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। प्रक्रिया निर्धारण यह शैक्षिक कैलेंडर पत्र के साथ संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक कैलेंडर में अंकित कार्य योजना हेतु निर्धारित कार्य विधि का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जारी किया गया था जो BTUP बोर्ड के सचिव हैं आर के सिंह के द्वारा, जो सचिव हैं BTUP बोर्ड के, उनके द्वारा जारी किया गया था 7/10/2020 को। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग इसका जो कैलेंडर है उसके बारे में देखते हैं। विषम सेमेस्टर परीक्षा 2020 हेतु निर्धारित समय सारणी। विषम सेमेस्टर पठन पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप जो है 15 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होंगे, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। 9 प्रवेशित छात्राओं हेतु नामांकन जो है 15 नवंबर से 30 नवंबर तक। दोस्तों, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा। परीक्षा फार्म भरने एवं शुल्क जमा किए जाने की तिथि प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर मतलब फर्स्ट
और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा जो है 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्रों के आधार पर अनुक्रमांक आवंटन सहित नामावली ऑनलाइन जारी करने की तिथि 16 जनवरी से 22 जनवरी तक होगी। ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि जो है 23 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगी। तो दोस्तों एडमिट कार्ड जो है प्रवेश पत्र जो होगा वो 23 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपको देगा। सेशनल अंकों की ऑनलाइन फीडिंग जो है वो 23 जनवरी से 31 जनवरी तक होगी। प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम जो है वो ऑनलाइन फीडिंग होगी 1 फरवरी से 10 फरवरी तक और सैद्धांतिक परीक्षा 12 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, जो आगे नियमावली है उसमें वर्णित शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 90 प्रभावी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 90 प्रभावी शैक्षणिक दिन होने का प्राविधान है। 15 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक विषम सेमेस्टर में लगभग 31 सार्वजनिक अवकाश रविवार सहित हैं और 78 प्रभावी शैक्षणिक दिन की कक्षाएं संपादित होनी है। अतः 12 अवशेष प्रभावी दिन में पूर्ण की जाने वाली पाठ्यचर्याओं को नियमित 2 घंटे की अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से इन 78 दिनों में पूर्ण किया जाना है। कोविड-19 से सुरक्षा के दृष्टिगत ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोस्तों इसमें ये कहा गया ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं कराया जाना प्रस्तावित है। अतः 2 अतिरिक्त व्याख्यान प्रतिदिन पाठ्यचर्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित हैं, जिसके फलस्वरूप पूर्वान्ह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाना अनिवार्य है। दोस्तों ये कहा गया है सचिव डॉक्टर आर के सिंह के द्वारा। दोस्तों हम लोगों ने इसमें ये देखा कि हम लोग जो सत्र है पॉलिटेक्निक का वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा शैक्षणिक सत्र? वो चलेगा 31 जनवरी तक और एग्ज़ाम जो है वो 12 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में होने हैं। और ये कहा गया है कि चूँकि एक सेमेस्टर का जो होता है शैक्षणिक कार्य 90 दिनों का होता है लेकिन 78 दिन चल पाएगा, जिसके लिए 12 दिन का अतिरिक्त कार्य शैक्षणिक कार्य करने के लिए डेली 2 घंटे अतिरिक्त पठन कार्य होगा। और इसके लिए क्या किया गया है कि क्लासेज जो है पठन और पाठन जो है वो 9 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। तो दोस्तों इसमें तो इतना ही दिया है, जैसे नया अपडेट कोई आता है इससे रिलेटेड दोस्तों हम आप लोगों को अवगत कराते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कुशीनगर एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। और जो बोर्ड के द्वारा आई चिट्ठी जो है ये, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल कुशीनगर एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, सभी लोग उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।